हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर अनिल। सो मेरे सोच विचार से मैंने एक प्रयास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, कि हम जो भी स्टैटिक्स बुक्स है यूपीएससी के, उन सभी को मैं सोच रहा हूँ कि हमें ऑडियो फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट किया जाए, ताकि हम उसे बार बार चलते फिरते चाय पीने जाएंगे या फिर जहाँ भी ट्रैवलिंग करेंगे तो उस समय हम इसे सुन सकते हैं, या फिर पढ़ते पढ़ते अगर हम दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते अगर हम बोर हो गए, या इन बिटवीन कभी भी देखना है तो हम उसे सुनेंगे, तो उस हिसाब से हमारे स्टैटिक्स बुक्स कवर हो जाएंगे। सो उसके स्टैटिक्स बुक्स कवर नहीं करने के लिए हमको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो ये सब मैंने सोचा है, तो उस हिसाब से अगर आप मुझे अगर आपके साथ रहिए तो हम सब साथ सभी लोग साथ मिलकर हम सारे के सारे स्टैटिक्स बुक्स इसी इसी फॉर्मेट में उसे कवर कर लेंगे। और इसका एक फ़ायदा यह है कि हम इसे स्पीड में भी सुन सकते हैं, अगर हमें कहीं पर ज़्यादा स्लो सुनना है तो हम उसे स्लो भी सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। और हम जैसे अगर हम बुक खोल के बैठ जाते हैं तो हमें नींद आने लगती है या आँखों के ऊपर स्ट्रेस आने लगता है। सो ये हम आँखें बंद करके अपना ध्यान धारणा लगा के भी सुन सकते हैं, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे हम म्यूज़िक सुनते हैं तो एक बार की म्यूज़िक सुन लेते हैं तो उसे हम कभी भी गुनगुनाते हैं, या बार बार सुन के हमें याद रह जाता है, वो पूरा कंठस्थ हो जाता है। उसी तरीके से ये मैंने सोचा है कि हमारा दिमाग जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से हम इसे भी आजमाएंगे। सो लेट स्टार्ट। हम पहले स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो स्पेक्ट्रम की बुक है उसे हम कवर करते हैं, जो मस्ट रीड बुक है। उसके अलावा हमारा आपको सभी को पता है कि कुछ नहीं हो सकता तो करना तो पड़ेगा ही। तो लेट स्टार्ट विथ दिस। सो पहले अध्याय से हम स्टार्ट करते हैं। पहले अध्याय का नाम है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह किस तरीके से हुए, उसके अंदर के सामान्य राजनीतिक कारण क्या थे, उसके सामाजिक कारण क्या था, धार्मिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, और उसके पूर्व के विद्रोह कौन कौन से थे, 1857 के विद्रोह में किस तरीके से क्या क्या, ये सारे के सारे पॉइंट जैसे बुक्स में दिए हैं वो सारे के सारे हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। गणपति बप्पा मौर्य। अध्याय पहला, मॉडर्न इंडिया देखेंगे, आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास। पहला अध्याय, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह। 1757 के पश्चात 100 वर्षों में विदेशी राज्य तथा उससे संलग्न कठिनाइयों के विरुद्ध अनेक आंदोलन, विद्रोह तथा सैनिक विप्लव हुए। अपनी स्वतंत्रता के खो जाने पर स्वशासन में विदेशी पक्ष हस्तक्षेप, प्रशासनिक परिवर्तनों का आना, अत्यधिक करों की मांग, अर्थव्यवस्था का भंग होना, इन सब से भारत के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न समय पर प्रतिक्रिया हुई। उससे बहुत सी अव्यवस्था फैली। प्रारंभिक विद्रोह के सामान्य कारण कौन कौन से थे वो देखेंगे। राजनीतिक कारण, इन विद्रोह के लिए अनेक प्रकार के राजनीतिक कारण जिम्मेदार थे। पहली, सहायक संधि प्रणाली, जो वेलेजी ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में विशेष भूमिका निभाई और उन्हें भारत का एक विस्तृत क्षेत्र हाथ लगा। इस कारण भारतीय राज्य अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। सेकेंड था, गोद प्रथा की समाप्ति। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत के कुछ प्रमुख देशी राज्यों यथा झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर आदि के राजाओं के कोई पुत्र नहीं थे। सो प्राचीन भारतीय राजव्यवस्था के प्रावधानों के तहत योग्य उत्तराधिकारी के चयन के लिए ये राजा अपने मनोकुल किसी बच्चे को गोद ले सकते थे, परंतु डलहौजी ने गोद लेने की इस प्रथा को अमान्य घोषित कर इन देशी राज्यों मतलब रियासतों को कंपनी के शासन अधिकार में ले लिया। कंपनी द्वारा शुरू की गई इस नई नीति से सभी राजा असंतुष्ट थे और वे किसी ऐसे अवसर की तलाश में थे जब पुनः अंग्रेजों को दबाकर अपनी रियासत पर अधिकार जमा सके। अवध के साथ विश्वासघात था। 1856 इकाई में कंपनी द्वारा अवध राज्य का अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके पूर्व अवध के नवाबों के साथ झूठी मित्रता कर अंग्रेजों ने उनसे पूरी सहायता ली थी, पर जब उनका साम्राज्य विस्तृत हो गया तब उन्होंने अवध को भी अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन कर लिया। इस अवध की जनता में अंग्रेजों के प्रति अत्यधिक असंतोष था और इस असंतोष के कारण वहां सैनिक
उत्तेजित हुए, वहाँ के सैनिक उत्तेजित हुए। नेक्स्ट, बहादुर शाह का अपमान। मुगल साम्राज्य के शासक बहादुर शाह का भी डलहौजी ने घोर अपमान किया। बहादुर शाह को लाल किला खाली करने का आदेश मिला, सिक्कों से उसका नाम हटाया गया और उसके पुत्र कोयाश को अंग्रेजों द्वारा राजकुमार घोषित कर दिया गया, जबकि बहादुर शाह का ज्येष्ठ पुत्र मिर्जा जवां बख्श वास्तविक उत्तराधिकारी था। अंग्रेजी शासन के इस कृत्य से राज परिवार और जनसाधारण दोनों में रोष था, इसलिए क्रांति की शुरुआत के समय बहादुर शाह ने यथाशीघ्र नेतृत्व प्रदान करना स्वीकार कर लिया। दत्तक प्रथा की समाप्ति। लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा को समाप्त करने के साथ साथ दत्तक पुत्रों से जागीर जब्त कर लेने का निश्चय किया और पेंशन भी रुकवा दी। नाना साहेब स्वर्गीय पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे और इनका पेंशन रोक कर अंग्रेजों ने दुश्मनी मोल ले ली। अफगानिस्तान में अंग्रेजों की पराजय। वर्ष 1841-42 में अफगानिस्तान में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा। इससे इस धारणा से उबरने का मौका मिला कि अंग्रेज अपराजय है और भारत के क्रांतिकारियों को इस युद्ध से नई आशा और प्रेरणा मिली कि हम अंग्रेजों को देश से निकाल सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। नेक्स्ट है सामाजिक कारण। कंपनी के शासन विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुष व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था। काले और गोरे का भेद स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को गुलाम समझा जाता था। समाज में अंग्रेजों के प्रति उपेक्षा की भावना बहुत बढ़ गई, क्योंकि उनके रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार से भारतीय व्यक्तियों की सामाजिक मान्यताओं में अंतर पड़ता था। अपने सामाजिक जीवन में वे अंग्रेजों का प्रभाव स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों की खुद को श्रेष्ठ और भारतीयों को ही हीन समझने की भावना ने भारतीयों को क्रांति करने की प्रेरणा प्रदान की। धार्मिक कारण। भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारतीयों पर धार्मिक दृष्टि से भी कुठाराघात किया था। इस काल में योग्यता की जगह धर्म को पद का आधार बनाया गया। जो कोई भी भारतीय ईसाई धर्म को अपना लेता था उसकी पदोन्नति कर दी जाती थी, जबकि भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था और इससे भारतीय जनसाधारण के बीच अंग्रेजों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता उत्पन्न हो गई। फिर ईसाई धर्म का इतना अधिक प्रचार किया गया कि भारतीयों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज उनके धर्म का सर्वनाश करना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप भारतवासी अंग्रेजों को धर्म विद्रोही समझकर उन्हें देश से बाहर निकालने का मार्ग ढूंढने लगे, और 1857 इकाई में जब मौका मिला तब हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रहार किया। आर्थिक कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया तथा श्रमिकों से बलपूर्वक अधिक से अधिक श्रम कराकर उन्हें कम पारिश्रमिक देना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त अकाल, सूखा और बाढ़ की स्थिति में भारतीयों की किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की जाती थी और उन्हें अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। निम्न वर्गीय कृषकों तथा मजदूरों की स्थिति तो दयनीय थी ही, राजाओं और नवाबों तक की आर्थिक स्थिति बदहाल थी। भारत से प्राप्त खनिज संसाधनों और सस्ते श्रम के बल पर अंग्रेजों ने अपने उद्योग धंधों को विकास के चरम पर पहुंचा दिया, जबकि दूसरी ओर भारत में किसी नए उद्योग की स्थापना की बात तो दूर, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को भी समाप्त कर दिया गया। इससे भारत के प्रत्येक वर्ग में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई और वे व्यापक विद्रोह के सूत्रधार बन गए। अब हम देखेंगे 1857 से पूर्व के विद्रोह कौन कौन से हुए थे। वो 1857 से पूर्व कई महत्वपूर्ण विद्रोह हुए जो निम्नलिखित प्रकार के थे। पहला हुआ चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह बाहर के पलामू जिले में स्थानीय राजा एवं कंपनी के द्वारा जब जागीरदारों मतलब चेरो से जमीनी छीन लेने जाने लगी, तब वहां के जागीरदारों ने राजा एवं कंपनी के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। यह विद्रोह 1800 इकाई में आरंभ हुआ और 1802 इकाई तक चला। इसका नेतृत्व भूषण सिंह नामक जमींदार ने किया था। दूसरा हुआ फकीर विद्रोह, जो कि बंगाल में हुआ था। यह आंदोलन यद्यपि 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ किंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक चलता रहा। इस आंदोलन का नेतृत्व एक फकीर नेता मजनूब शाह ने किया। फकीर बंगाल के घुमंतु धार्मिक मुसलमानों का एक समूह था। बंगाल के विलय के उपरांत 1776.77 में मजनूब शाह के नेतृत्व में फकीरों ने अंग्रेजी शासन की उपेक्षा करते हुए स्थानीय जमींदारों तक तथा किसानों
से धन वसूलना प्रारंभ कर दिया। मजनूम शाह की मृत्यु के पश्चात आंदोलन की बागडोर चिराग अली शाह ने संभाली। राजपूत, पठान एवं सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने आंदोलन को सहयोग प्रदान किया। चिराग अली शाह के नेतृत्व में आंदोलन और तीव्र हो गया तथा इसका प्रसार उत्तरी बंगाल के जिलों में भी हो गया। भवानी पाठक और एक महिला देवी चौधरानी इस आंदोलन के दो प्रमुख हिंदू नेता थे। कालांतर में इस आंदोलन के समर्थकों ने हिंसक गतिविधियां प्रारंभ कर दी थी तथा अंग्रेजों के स्वामित्व वाले ठिकानों को अपनी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाया। उन्होंने अंग्रेजी फैक्ट्रियों तथा सैनिक साजो सामान के केंद्रों पर अनेक डकैतियां डाली। इसके कारण फकीरों और अंग्रेजों के मध्य अनेक झड़प हुई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ वर्षों तक अंग्रेजी सेनाओं ने आंदोलन को कठोरतापूर्वक दबा दिया। तीसरा देखेंगे सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह भी बंगाल में हुआ था। यह आंदोलन 1770 में प्रारंभ हुआ किंतु 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक 1820 तक चलता रहा। इस विद्रोह का प्रमुख कारण तीर्थयात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना था। सन्यासी मुख्यतः हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासी थे जो कभी मराठों, राजपूतों और बंगाल और अवध के नवाबों की सेनाओं में सैनिक थे। 1770 में बंगाल के भयानक दुर्भिक्ष ने यहाँ के निवासियों को त्रस्त कर दिया था और उसके पश्चात सन्यासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने बलपूर्वक धन वसूला और तथा अंग्रेजी फैक्ट्रियों पर लूटपाट की। अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों से निपटने के लिए दमन का सहारा लिया तथा 1820 तक आंदोलन को कुचल दिया। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। चौथा हुआ था कोका विद्रोह। कोका विद्रोह पंजाब में हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत जवाहरमल भगत मतलब सियान साहिब एवं उनके शिष्य बालक सिंह ने पश्चिम पंजाब में की। उन्होंने हाजरों नामक स्थान को अपना मुख्यालय बनाया। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध बनाना था। इसके अन्य सिद्धांतों में जातीय भेदभाव का उन्मूलन, सिखों को समानता का अधिकार, मांस मदिरा एवं अन्य नशीली वस्तुओं के सेवन से परहेज थे, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन तथा महिलाओं में पर्दा प्रथा को दूर करना इत्यादि प्रमुख थे। प्रारंभ में कुका आंदोलन एक धार्मिक सुधार आंदोलन था किंतु अंग्रेजों द्वारा पंजाब को हस्तगत कर लेने के पश्चात यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। कुका आंदोलन के राजनीतिक स्वरूप अख्तियार करने पर अंग्रेज चिंतित हो गए तथा इसके दमन के प्रयास करने लगे। फलतः कुका आंदोलन के समर्थकों एवं अंग्रेजों में टकराव हुआ। अंग्रेजों ने आंदोलन को कुचलने के जोरदार उपाय किए। 1872 में एक प्रमुख नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित किया गया और जहां 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। सावंतवादी विद्रोह। पांचवा है सावंतवादी। यह विद्रोह 1844 में हुआ जिसका नेतृत्व एक मराठा सरदार फोंड सावंत ने किया था। सावंत ने कुछ सरदारों तथा देसाइयों की सहायता से कुछ किलों पर अधिकार कर लिया। बाद में अंग्रेज सेनाओं ने मुठभेड़ के पश्चात विद्रोहियों को परास्त कर दिया गया, किले से बाहर खदेड़ दिया। कई विद्रोह गोवा भाग गए तथा बचे हुए विद्रोहियों को पकड़कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा उन्हें कड़ी सजा दी गई। शांगयारों का विद्रोह दक्षिण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विद्रोह में यह विद्रोह सबसे बड़ा था, जिसमें दक्षिण के शांगयारों मतलब किलों के अधिपति ने कंपनी की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मालगुजारी देना बंद कर दिया। यह विद्रोह 1801 से 1805 इकाई तक चला। इस विद्रोह का नेतृत्व कठम बोम नायकम नामक शांगयार ने किया था, जिसे अंग्रेजों ने पकड़े जाने पर फांसी दे दी थी। वेलोर का सिपाही विद्रोह। 1806 इकाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों ने वेलोर में विद्रोह कर दिया, जिसमें अंग्रेज अधिकारी सिपाहियों की हिंसा के शिकार हुए। इस विद्रोह में टीपू सुल्तान के वंशजों से सिपाहियों का साथ दिया जाता, जो कि वेलोर के दुर्ग में कंपनी द्वारा नजरबंद थे। विद्रोहियों ने दुर्ग पर मैसूर राज्य के राज चिन्ह युक्त झंडे को भी फहरा दिया था, पर 1806 इकाई में छह इकाई के अंत तक इस विद्रोह पर पूरी तरह काबू पा लिया गया था। नायक विद्रोह।
बंगाल पे मेदिनीपुर जिले में हुआ यह विद्रोह उन रैयतों मतलब नायक ने किया था जिन पर कंपनी बड़ी हुई दर से लगान चुकाने के लिए दबाव डाल रही थी। 1806 ईकाई में कंपनी ने इन नायकों की जमीन भी जब्त कर ली थी। नायकों ने इसके विरोध में कंपनी के खिलाफ छापामार युद्ध शुरू कर दिया जो 1816 ईकाई तक चला। इस विद्रोह का नेतृत्व अचल सिंह नामक व्यक्ति ने किया था जिसने नायकों को सैनिक प्रशिक्षण देकर एक कुशल पलटन तैयार की थी। त्रावणकोर का विद्रोह। त्रावणकोर में वहां के दीवान वेलू थंपी ने कंपनी की बढ़ती जातियों के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया जिससे लगभग एक वर्ष तक त्रावणकोर पर कंपनी का अधिकार समाप्त प्राय रहा। वेलू थंपी ने 1808 ईकाई में फ्रांस एवं अमेरिका से भी अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए संपर्क स्थापित किया था। वेलू थंपी ने स्थानीय शासकों से भी सहयोग के लिए संपर्क किया पर किसी ने सहयोग नहीं किया। अंत में 1809 इकाई में कंपनी की सेना के बहुत बढ़ जाने पर वेलू थंपी ने आत्महत्या कर ली पर आत्मसमर्पण नहीं किया। बरेली का विद्रोह। 1816 इकाई में बरेली के लोगों ने स्थानीय अंग्रेज अधिकारियों की जातियों के खिलाफ हिंसक विद्रोह कर दिया जिसमें दोनों पक्षों से सैकड़ों लोग हताहत हुए। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था कि अंग्रेजों ने स्थानीय लोगों पर चौकीदार टैक्स आरोपित कर उसकी सख्ती से वसूली शुरू कर दी थी और इस विद्रोह में लोगों का नेतृत्व मुफ्ती मोहम्मद अहमाज नामक व्यक्ति ने किया था। 11वां अलीगढ़ का विद्रोह। आगरा प्रांत के अंतर्गत अलीगढ़ के किसान जमींदार एवं सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक फेरबदल में असंतुष्ट थे। इसलिए जब कंपनी में मालगुजारी कराने का निर्णय किया तब उनका असंतोष विद्रोह रूप से फूट पड़ा और यह विद्रोह 1817 में हुआ था। इस विद्रोह के नेता हाथरस के तालुकदार दयाराम और मुरसान के तालुकदार भगवंत सिंह थे। 12 उड़ीसा के पायकों का विद्रोह। अन्य रियासतों की तरह अंग्रेजों ने उड़ीसा में भी भूमिकर में बेतहाशा वृद्धि कर दी थी और वे इसकी वसूली भी बड़ी सख्ती से कर रहे थे। इस अत्याचार से हजारों किसान खेतों को छोड़कर जंगल भागने लगे परंतु स्थानीय पायकों ने जो कि मुगलों एवं मराठों के विरुद्ध मोर्चा ले चुके थे अंग्रेजों का प्रभावी प्रतिरोध किया और खुर्दा जैसे स्थानों पर उन्हें करारी मात दी। इस विद्रोह में पायकों का नेतृत्व जगबंधु ने किया था। यह विद्रोह 1817 इकाई में शुरू हुआ था जो 1818 इकाई में आकर शिथिल पड़ गया यद्यपि जगबंधु 1821 इकाई तक अंग्रेजों का प्रतिकार करता रहा। कित्तूर का विद्रोह। तृतीय आंग्ल मराठा विद्रोह युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कित्तूर को स्वतंत्र राज्य मान लिया था। 1824 में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर अंग्रेजों का कित्तूर राज्य के से विरोध हो गया जब उन्होंने अंतिम शासक शिवलिंग रुद्र के उत्तराधिकारी को वास्तविक मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में महारानी चेनम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिया पर 1824 के अंत तक अंग्रेजों ने इसे दबा दिया परंतु 1829 में रायप्पा के नेतृत्व में कित्तूर में एक फिर विद्रोह हुआ पर इसको भी उसी वर्ष दबा दिया गया। रामोसिस विद्रोह। पूना के रामोसिस मतलब मराठा युगीन पुलिस अंग्रेजों के शासनकाल में बेगार हो गए थे। ऊपर के उनके पास जो जमीन बची थी उस पर अंग्रेजों ने लगान की दर बहुत बढ़ा दी। ऐसे में रामोसिस ने 1822 इकाई में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों पर हमले शुरू कर दिए। इस विद्रोह को दबा दिया गया। 1826 इकाई में फिर से उमाजी के नेतृत्व में रामोसिसों ने विद्रोह आरम्भ किया और इस बार 1829 तक रामोसिस ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया। आहोम का विद्रोह। 1824 इकाई में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था। असम के आहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने इसे नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से असम छोड़कर चले जाने को कहा। कंपनी द्वारा न मानने पर 1828 इकाई में से 1830 इकाई तक गदाधर सिंह के नेतृत्व में असमिया ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया पर विद्रोह सफल न हो सका। गदाधर सिंह को निर्वासित कर दिए जाने के बाद 1830 इकाई में असमिया ने कुमार रूपचंद के नेतृत्व में विद्रोह किया पर यह दूसरा विद्रोह भी असफल रहा। विशाखापट्टनम के विद्रोह।
मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत विशाखापट्टनम जिले में विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला थी। पालकोंडा के जमींदार विजयराम राजे ने 1793 इकाई से 1796 इकाई के बीच अंग्रेजों के साथ कई छिटपुट लड़ाइयां लड़ी। 1821 से 1831 के बीच फिर से पालकोंडा के जमींदार ने राजस्व वसूली के प्रश्न पर विद्रोह किया। 1830 इकाई में विशाखापट्टनम के जमींदारी वीरभद्र राजे ने पेंशन के सवाल पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। 1832 से लेकर 1834 इकाई में विशाखापट्टनम के ही एक अन्य जमींदार जगन्नाथ राजे ने उत्तराधिकारी विवाद में अंग्रेजों के हस्तक्षेप की वजह से विद्रोह कर दिया। कुर्ग का विद्रोह। दक्षिण भारत में 1833 से लेकर 34 में कुर्ग वासियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाइयां संगठित नागरिक विद्रोह की मिसाल है। यह वहां के राजा वीर राजा ने जनता की तरह की बहादुरी दिखाई होती है तो अंग्रेजों को निर्णायक हार का सामना करना पड़ता, परंतु ऐसा नहीं हुआ और उसके आत्मसमर्पण के बाद कुर्ग मई 1834 में ब्रिटिश राज्य में मिल गया। 18 गुमसूर का विद्रोह। गुमसूर का विद्रोह 1800 से 1805 के बीच हुए गंजाम विद्रोह का नेतृत्व जिस श्रीकर भंज ने किया था उसी के पुत्र धनंजय ने 1835 इकाई में गुमसूर की जमींदारी में लगान के बकाए के प्रश्न पर विद्रोह किया। 1835 इकाई के अंत में धनंजय की मृत्यु के बाद आम जनता ने इस विद्रोह को जारी रखा। फरवरी 1837 इकाई में अंग्रेजों ने इसे बुरी तरह दबा दिया। 19 वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन भारत में शुरू किया बरेली से सैयद अहमद बरेवली ने। वैसे तो इस आंदोलन का लक्ष्य इस्लाम में सुधार लाना था, परंतु भारत में इसका लक्ष्य अंग्रेजों एवं शोषक वर्ग के अन्य लोगों का विरोध करना हो गया। पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, यद्यपि इसका प्रसार संपूर्ण भारत में हो गया। यह आंदोलन 1830 इकाई में शुरू हुआ और 1869 इकाई तक इसने अंग्रेजी सत्ता को परेशान किया। 1831 इकाई में बरेवली की मृत्यु के बाद बिहार में इनायत अली और विनायत अली तथा बंगाल में तितू मीर और दुदू मियाँ के नेतृत्व में किया। अंतिम चरण में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पश्चिमोत्तर भारत हो गया था। 20 फराजी आंदोलन। यह आंदोलन बंगाल के फरीदपुर जिले में आरंभ हुआ था और इन आंदोलन का भी मुख्य उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना था। यह वहाबियों का विरोध था। बंगाल में कालांतर में इस आंदोलन ने अंग्रेज के विरुद्ध रुख अपना लिया। शरीयतुल्लाह एवं उसके पुत्र मोहम्मद मोहसिन मतलब दुदुमिया ने बंगाल के गरीब किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रियता अर्जित की और उनके बल पर एक सशक्त एवं प्रभावी आंदोलन चलाया। संबलपुर का विद्रोह। संबलपुर में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर अंग्रेजों के हस्तक्षेप के विरोध में कई चरणों में गोंडों ने विद्रोह किए। पहला विद्रोह 1833 इकाई में हुआ पर इसे शीघ्र ही दबा दिया गया। 1839 इकाई में सुरेंद्र साई के नेतृत्व में एक बार फिर विद्रोह हुआ जिसका कारण नए भूमि बंदोबस्त के द्वारा राजस्व में अंग्रेजों द्वारा वृद्धि कर लेना था। यह विद्रोह काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। 1857 इकाई की क्रांति के समय संबलपुर में सुरेंद्रनाथ शाही ने मोर्चा संभाला जिसमें अन्य जमींदारों ने भी उसका साथ दिया। 1862 इकाई में सुरेंद्र शाही द्वारा 1862 इकाई में सुरेंद्र शाही द्वारा आत्मसमर्पण कर दिए जाने के बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ गया। कोलीय विद्रोह। कोलीय मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिक के रूप में काम किया करते थे। अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाने के बाद दुर्गों का महत्व नहीं रहा, उन्हें तोड़ दिया गया और ऐसे में वे ये बेगार हो गए और ये यत्र तत्र विद्रोह के झंडे बुलंद करते रहे। 1824 इकाई अंत में पश्चिमी घाट एवं कच्छ के सीमावर्ती भाग के कोलियों ने विद्रोह किया जिसे 1825 इकाई में दबा दिया गया। 1839 इकाई में पूना के आसपास कोलियों ने विद्रोह आरंभ कर दिया जो 1850 इकाई तक विभिन्न चरणों में भावुसरे चिमानजी यादव नाना दरबारे रघु भंगरिया बापू भंगारिया आदि ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और इस विद्रोह को रामोसियों ने
मुसीसियों ने भी सहयोग दिया था। गडकरी विद्रोह। गडकरी भी मराठा क्षेत्र के दुर्गों में सैनिक के रूप में काम किया करते थे, जिसके बदले इन्हें कर मुक्त जमीन मिला करती थी। अंग्रेजों का शासन हो जाने के बाद ये बेगार तो हो ही गए थे, परंतु इनकी जमीन पर भी कर भी आरोपित कर दिया गया। इसके विरोध में गडकरियों ने 1844 इकाई में विद्रोह किया। समानगढ़, कोल्हापुर आदि इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। बाबाजी अहिरेकर इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। बुंदेल का विद्रोह। 1835 इकाई में अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिम प्रांत नामक एक नया प्रांत बनाया, जिससे मराठों से छीने गए आधुनिक मध्य प्रदेश के दो जिले भी मिलाए गए, सागर एवं दमोहा। इस प्रांत में बर्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर महलवारी बंदोबस्त किया गया, जिसमें 20 वर्षों के लिए लगान का निर्धारण बढ़ी हुई दर पर किया गया, और इससे यहाँ के जमींदार नाराज हुए। और जब उनसे लगान जबरदस्ती वसूल किया जाने लगा तो सागर के दो जमींदारों जवाहर सिंह और मधुकर शाह ने 1842 इकाई में विद्रोह कर उत्पाद मचाना शुरू कर दिया, और 1843 इकाई तक इस विद्रोह पर काबू पा लिया गया और लगान भी कम कर दिया गया। 1857 का विद्रोह। आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 इकाई अपना विशिष्ट महत्व रखता है, क्योंकि इस वर्ष के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। तत्कालीन कारण क्या थे? अब 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण सैनिक थे। कंपनी ने भारतीयों के प्रति जो भेदभाव की नीति रखी थी, इसका सर्वाधिक स्पष्ट रूप में सेना में था। कारण उसी में भारतीयों के रोजगार मिलने की सर्वाधिक संभावना थी, परंतु भारतीय सैनिकों के साथ बड़ा ही बुरा वर्ताव होता था, और इस कारण हम पहले भी देखते हैं कि 1765 इकाई में, 1806 में वेल्लूर में, और 1824 इकाई में बैरपुर में अन्यत्र भी सेना के विद्रोह होते रहे। कितनी भी योग्यता या बहादुरी दिखाने पर भारतीयों को जमींदार से ऊंची, जमादार से ऊंची पदोन्नति नहीं मिलती थी। भारतीय सैनिकों के वेतन, भत्ते आदि भी अंग्रेजों की तुलना में बहुत कम थे। साथ ही खान पान, रहन सहन, व्यवहार में भी भारतीयों के साथ भेदभाव बरता जाता था। सेना में भी पादरी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आते रहते थे। फिर कंपनी की नीति से जिस प्रकार भारतीय कृषि व्यवस्था कुप्रभावित हो रही थी, उससे सैनिकों पर भी असर था, क्योंकि उस समय सैनिकों की आय उतनी नहीं थी कि उसकी आय से ही सारे परिवार के लोगों का पेट भर सकता है। अर्थात कृषि ही उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती थी। वस्तुतः सैनिक भी बर्दोधारी किसान ही थे, जिस पर लगान का समान बोझ पड़ता था। इतना तक भारतीय सैनिकों ने बर्दाश्त किया, पर उनकी धार्मिक भावना पर चोट लग गई, और जब उन्होंने व्यापक विद्रोह कर लिया तब उन्होंने व्यापक विद्रोह कर लिया। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के अनुसार यह घोषणा की गई कि भारतीय सैनिकों को युद्ध के समय समुद्र पार कर विदेश में जाना होगा, और भारतीय समुद्र पार करने को पाप मानते थे। ये इसका विरोध कर रहे थे, और कि कंपनी की सेना में कई नई एनफील्ड नामक राइफल आई, जिससे गोली लगाने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था और कारतूस में चर्बी पड़ी होती थी। कतिपय उदाहरणों में गायों और सुअरों की चर्बी का प्रयोग किया गया था। सैनिकों को जैसे ही इस बात का पता चला, उनका क्षोभ सीमा पर कर गया, और जब सबसे पहले बैरकपुर छावनी के छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ऐसी कारतूस के प्रयोग का विरोध किया, उसने काफी उत्पाद मचाया, और 8 अप्रैल 1857 के उसे फांसी दे दी गई, और 6 मई को सैनिकों ने फिर विरोध किया, और अब कंपनी ने भारतीय सैनिकों का रुख देखते हुए उनके सशस्त्र जब्त करना आरंभ कर लिया, और सैनिकों को यह
सजा दी जाने लगी और उन्हें बड़ी संख्या में कैद किया जाने लगा। अंत में 10 मई 1857 को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विरोध कर विद्रोह की घोषणा कर दी और क्रांति की शुरुआत हो गई। क्रांति का संगठन, उद्देश्य और समय। संगठन क्या था, उद्देश्य क्या था, समय कैसे निर्धारित हुआ, यह सब। संगठन 1857 की क्रांति के संबंध में यह कहा गया जाता है कि इसमें संगठन का अभाव था। इस क्रांति के लिए उद्देश्य निश्चित, समय, प्रचार तैयार, एकता, नेतृत्व आदि संगठन के सभी आवश्यक तत्वों का दर्शन होता था। क्रांति का संदेश नहरों से लेकर गांवों तक संप्रेषित किया गया था। संवाद प्रेषण के लिए कमल आदि प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। उद्देश्य 1857 की क्रांति का उद्देश्य निश्चित और स्पष्ट था, अंग्रेजों को देश से निकालना और भारत को स्वाधीन कराना क्रांतिकारियों का अंतिम लक्ष्य था। यह कहना कि इस क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों, जमींदारों या छोटे मोटे शासकों के निजी हित थे, क्रांति के महत्व को कम करने की कोशिश है। वस्तुतः यह विद्रोह एकता पर आधारित और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध था। समय, संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत एक ही समय निर्धारित किया गया था और वह था 31 मई 1857 का दिन। जेसी विल्सन ने इस तथ्य को स्वीकार किया था और कहा था कि प्राप्य प्रमाणों से मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि एक साथ विद्रोह करने के लिए 31 मई 1857 का दिन चुना गया था। यह संभव है कि कुछ देश क्षेत्रों में विद्रोह का सूत्रपात निश्चित समय के बाद हुआ, किंतु इस आधार पर यह आक्षेप नहीं किया जा सकता कि 1857 की क्रांति के सूत्रपात के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया था। क्रांति की शुरुआत 1857 की, इससे पहले हम देखेंगे ये बॉक्स में क्या लिखा है वो देखेंगे। विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता कौन थे वो देख लेंगे। यद्यपि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर कर रहे थे, परंतु यह नेतृत्व औपचारिक एवं नाममात्र का था। विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व जनरल बख्त खां के हाथों में था और जो बरेली के सैन्य विद्रोह में अगुआ थे तथा बाद में अपने सैन्य साथियों के साथ दिल्ली में पहुंचे। बख्त खां के नेतृत्व वाले दल में प्रमुख रूप से 10 सदस्य थे, जिनमें से सेना के 6 तथा 4 नागरिक विभाग से थे। यह दल या न्यायालय सम्राट के नाम से सार्वजनिक मुद्दों की सुनवाई करता था। बहादुर शाह जफर का विद्रोहियों पर न तो नियंत्रण था और न ही ज्यादा संपर्क। बहादुर शाह का दुर्बल व्यक्तित्व, वृद्धावस्था तथा नेतृत्व अक्षमता विद्रोहियों को योग्य नेतृत्व देने में सक्षम नहीं था। कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब सभी की पसंद थे। उन्हें कंपनी ने उपाधि एवं महल दोनों से वंचित कर दिया था तथा पुणे से निष्कासित कर कानपुर में रहने पर बाध्य कर दिया। विद्रोह के पश्चात नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया तथा स्वयं को भारत के सम्राट बहादुर शाह के गवर्नर के रूप में मान्यता दी। 27 जून 1857 को सर व्यू विलर ने कानपुर में आत्मसमर्पण कर दिया। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। यह 4 जून 1857 को प्रारंभ हुए विद्रोह में सभी को सहानुभूति बेगम के साथ थी। बेगम हजरत महल के पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया गया तथा समानांतर सरकार की स्थापना की गई। इसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों की समान भागीदारी थी। यहाँ के अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ ब्रिटिश रेजिडेंट में प्रश्रय लिया, लेकिन विद्रोहियों ने रेजिडेंट पर आक्रमण किया तथा हेनरी लॉरेंस को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात ब्रिगेडियर इंग्लिश ने विद्रोहियों का बहादुरी पूर्वक प्रतिरोध किया। बाद में सर जेम्स आउट्रम तथा सर हेनरी हेवलॉक ने लखनऊ को जीतने का यथासंभव प्रयास किया, पर वे सफल नहीं हो सके। अंततः नए ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर कोलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मार्च 1858 में नगर पर अधिकार प्राप्त करने में सफलता पाई। मार्च 1858 तक लखनऊ पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। फिर भी कुछ स्थानों पर छिटपुट विद्रोह की घटनाएं होती रही। रोहिलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित कर दिया। कंपनी द्वारा निर्धारित की गई पेंशन से असंतुष्ट होकर अपने 40,000 सैनिकों की सहायता से खान बहादुर ने लंबे समय तक विद्रोह का झंडा बुलंद रखा। बिहार में एक छोटी रियासत जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह ने यहां विद्रोह का नेतृत्व किया। इस 70 वर्षीय बहादुर जमींदार ने दानापुर से आरा पहुंचने पर सैनिकों को सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान किया तथा ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी। फैजाबाद के मौलवी
अहमद उल्ला 1857 के विद्रोह के एक अन्य प्रमुख नेतृत्व करता थे। वे मूलतः मद्रास के निवासी थे और बाद में वे फैजाबाद आ गए थे तथा 1857 विद्रोह के अंतर्गत जब अवध में विद्रोह हुआ तो मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोहियों को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। किंतु 1857 के विद्रोह में इन सभी नेतृत्वकर्ताओं में सबसे प्रमुख नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का था, जिसने झांसी में सैनिकों को ऐतिहासिक नेतृत्व प्रदान किया। झांसी के शासक राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने राजा ने दत्तक पुत्र को झांसी का राजा मानने से इनकार कर दिया तथा व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर झांसी को कंपनी के साम्राज्य में मिला दिया। तदुपरांत गंगाधर राव की विधवा महारानी लक्ष्मीबाई ने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद करते हुए विद्रोह का मोर्चा संभाला। कानपुर में पतनोपरांत नाना साहेब के दक्ष सहायक तात्या टोपे के झांसी पहुंचने पर लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ किया। तात्या टोपे एवं लक्ष्मीबाई की सम्मिलित सेनाओं ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया, जहां कुछ अन्य भारतीय सैनिक उनकी सेना से आकर मिल गए। ग्वालियर के शासक सिंधिया ने अंग्रेजों का समर्थन किया करने का निश्चय किया तथा आगरा में शरण ली। कानपुर में नाना साहेब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया तथा दक्षिण में अभियान करने की योजना बनाई। जून 1858 तक ग्वालियर पुनः अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। 1857 का विद्रोह लगभग एक वर्ष से अधिक समय तक विभिन्न स्थानों पर चला तथा जुलाई 1858 तक पूर्णतया शांत हो गया। क्रांति की शुरुआत देखेंगे आप। 1857 की क्रांति का सूत्रपाठ मेरठ छावनी के स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक मंगल पांडे ने किया। 29 मार्च 1857 को नए कारतूसों के प्रयोगों के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई। धाते हुए है कि अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सेना के उपयोग के लिए जिन कारतूसों को उपलब्ध करवाया था उनमें सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था। छावनी के भीतर मंगल पांडे को पकड़ने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़े उसे मौत के घाट उतार दिया। 8 अप्रैल 1857 इकाई को मंगल पांडे को फांसी दी गई। उसे दी गई फांसी की सजा की खबर सुनकर संपूर्ण देश में क्रांति का माहौल स्थापित हो गया। 6 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने फिर नए कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया। विरोध करने वाले सैनिकों का यह मानना है कि उनसे हथियार भी छीन लिए गए। हथियार छीने जाने को मेरठ में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपमान का विषय समझ लिया। ऐसी स्थिति में सैनिकों के लिए अंग्रेजों से बदला लेना परम कर्तव्य हो गया। मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 इकाई को जेलखानों को तोड़ना, भारतीय सैनिकों को मुक्त करना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। मेरठ में मिली सफलता से उत्साहित सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली आकर क्रांतिकारी सैनिकों ने कर्नल रिपले की हत्या कर दी और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी समय अलीगढ़, इटावा, आजमगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर आदि में भी स्वतंत्रता की घोषणा की जा चुकी थी। एकता का प्रदर्शन। 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर भाग लिया। क्रांति का मसौदा तैयार करने से लेकर क्रांति के क्रियान्वयन तक दोनों के लोगों ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरोध में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच वैसी एकता फिर कभी नहीं दिखाई पड़ी। इसका कारण यह था कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राजगुरु की नीति को हिंदुओं और मुसलमानों को तोड़ने में लागू नहीं किया था। फिर अंग्रेजी सरकार ने जिस नए कारतूसों को भारतीय सैनिकों के प्रयोग के लिए दिया था उसमें गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया था। इससे दोनों धर्मों के सैनिकों ने अंग्रेजी सरकार को विरोध किया। क्रांति का दमन कैसे हुआ? क्रांति के राष्ट्रव्यापी स्वरूप और भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के प्रति बढ़ते आक्रोश को देखकर अंग्रेजी सरकार घबरा गई। क्रांति की विभीपता को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने निर्ममतापूर्व दमन की नीति अपनाई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड केनिंग ने बाहर से अंग्रेजी सेनाएं मंगवाई। जनरल नील के नेतृत्व वाली सेना ने बनारस और इलाहाबाद के क्रांति को जिस प्रकार से कुचला वह पूर्णतः अमानवीय था। क्रांतिकारियों को छोड़ जनसाधारण का कत्ल किया गया, गांवों को लूटा गया और निर्दोषों को फांसी दी जाती थी। दिल्ली में बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लेने के बाद नरसंहार शुरू हो गया था। कमांडर इन चीफ जनरल एनसन ने रेजिमेंटों को आदेश देकर फिरोजपुर, जालंधपुर, भूलवर, अम्बाला आदि में निर्ममता के साथ लोगों की हत्या करवाई। सैनिक निर्णयों का उल्लंघन कर कैदी सिपाहियों में से अनेकों ने तोपों के मुंह पर लगाकर उड़ा दिया। पंजाब में सिपाहियों को घेर कर जिंदा जला दिया।
अंग्रेजों ने केवल अपनी सैन्य शक्ति के सहारे ही क्रांति का दमन नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रलोभन देकर बहादुर शाह को गिरफ्तार करवा लिया, उसके पुत्रों की हत्या करवा दी, सिखों और मद्रासी सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। वस्तुतः क्रांति के दमन में सिख रेजिमेंट ने यदि अंग्रेजी सरकार की सहायता नहीं की होती तो अंग्रेजी सरकार के लिए क्रांतिकारियों को रोक पाना टेढ़ी खीर की साबित हो जाती। क्रांति के दमन में अंग्रेजों को इसलिए सहायता मिली कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय में क्रांति ने जोर पकड़ा था। क्रांति की असफलता के कारण क्रांतिकारियों ने जिस उद्देश्य से 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया था उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने सोचा था कि अंग्रेजों को बाहर खदेड़कर भारत को स्वाधीन कर देंगे, परंतु क्रांति के दमन के बाद अंग्रेजों ने ऐसी नीति अपनाई कि 19 और वर्षों तक भारतीयों को गुलाम बनाए रखने में सफल रहे। इस महान क्रांति की सफलता के अनेक कारण थे, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण कारण आगे लिखे हैं। पहला कारण है निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था। एक ही दिन क्रांति शुरू होने पर उसका व्यापक प्रभाव होता, परंतु सैनिकों ने आक्रोश में आकर निश्चित समय के पूर्व 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। सैनिकों की इस कार्रवाई के कारण क्रांति की योजना अधूरी रह गई। निश्चित समय का पालन नहीं होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत अलग अलग दिनों में हुई। इस अंग्रेजों को क्रांतिकारियों का दमन करने में काफी सहायता हुई। अनेक स्थानों पर तो 31 मई की प्रतीक्षा कर रहे सैनिकों के हथियार छीन लिए गए। यदि सभी क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात एक साथ हुआ होता तो तस्वीर कुछ और ही होती। सेकंड कारण, देशी राजाओं का देशद्रोही रुख। 1857 की क्रांति का दमन करने में अनेक देशी राजाओं ने अंग्रेजों की खुलकर सहायता की। पटियाला, नाभा, जिंद, अफगानिस्तान और नेपाल के राजाओं ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता के साथ आर्थिक सहायता भी दी। देशी राजाओं की इस देशद्रोहिता पूर्ण भूमिका ने क्रांतिकारियों का मनोबल तोड़ा और क्रांति के दमन के लिए अंग्रेजी सरकार को प्रोत्साहित किया। तीसरा, सांप्रदायिकता का खेल। 1857 इकाई में की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सरकार हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, परंतु आंशिक रूप से ही सही सांप्रदायिकता का खेल खेलने में सफल रही। सांप्रदायिक भावनाओं को उभार कर ही अंग्रेजी सरकार ने सिख रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। मराठों, सिखों, गोरखों को बहादुर के खिलाफ खड़ा कर दिया। उन्हें यह महसूस कराया गया कि बहादुर शाह के हाथों में फिर से सत्ता आने पर हिंदुओं और सिखों के अत्याचार होगा, और इसका मूल कारण था कि संपूर्ण पंजाब में बादशाह के नाम झूठा फरमान अंग्रेजी की ओर से जिसमें कहा गया कि लड़ाई में जीत मिलने की प्रत्येक सिख का वध कर दिया जाएगा, सैनिकों के साथ साथ जनसाधारण को ही गुमराह कर गया। इस स्थिति में क्रांति का असफल होना निश्चित हो गया। जब देश के भीतर देशवासी ही पूर्ण सहयोग न दे तो कोई भी क्रांति सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। चौथा, संपूर्ण देश में प्रसारित न होना। 1857 इकाई क्रांति का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो सका था। संपूर्ण दक्षिण भारत और पंजाब का अधिकांश हिस्सा इस क्रांति से अछूता रहा। यदि इन क्षेत्रों में क्रांति का विस्तार हुआ होता तो अंग्रेजों को अपनी शक्ति को इधर भी फैलाना पड़ता और वे पंजाबी रेजिमेंट तथा मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में करने में असफल रहते। शस्त्रास्त्रों का अभाव। क्रांति का सूत्रपात तो कर दिया गया, किंतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण क्रांतिकारी आधुनिक शस्त्रार्थों का प्रबंधन करने में असफल रहे। अंग्रेजी सेना ने तोपों और लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूकों का प्रयोग किया, जबकि क्रांतिकारियों को तलवारों और भालों का सहारा लेना पड़ा। इसलिए क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। छठा, सहायक साधनों का अभाव और सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे, इसलिए इन साधनों का उन्होंने पूरा उपयोग किया। दूसरी ओर भारतीय क्रांतिकारियों के पास इन साधनों का पूर्ण अभाव था। क्रांतिकारी अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र भेजने में असफल रहे। सूचना के अभाव के कारण क्रांतिकारी संगठित होकर अभियान बनाने में असफल रहे। इसका पूरा पूरा फायदा अंग्रेजों को मिला और अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति को क्रमशः कुचल दिया गया। सैनिक संख्या में अंतर। एक तो विद्रोह करने वाले भारतीय सैनिकों की संख्या वैसे ही कम थी और दूसरे अंग्रेजी सरकार द्वारा बाहर से भी अतिरिक्त सैनिक मंगवा लिया गया था। उस समय कंपनी के पास वैसे 96,000 सैनिक थे। इसके अतिरिक्त देशी रियासतों के सैनिकों से भी अंग्रेजों को सहायता मिली। अंग्रेजी सैनिकों को अच्छी सैनिक शिक्षा मिली थी और उनके पास
अधुनातन शस्त्रार्थ थे, परंतु अपने परंपरागत हथियारों के साथ ही भारतीय क्रांतिकारियों ने जिस संघर्ष की क्षमता का परिचय दिया, उससे कई स्थलों पर अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। फिर भी अंततः सफलता अंग्रेजों के हाथ ही लगी। क्रांति के परिणाम 1857 इकाई क्रांति के अपने तत्कालीन लक्ष्य की दृष्टि से असफल रही, परंतु इस क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांति के परिणाम अच्छे और बुरे दोनों रहे। क्रांति का परिणाम अंग्रेजों और भारतीयों के लिए अलग अलग हुआ। 1857 इकाई क्रांति के जो परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में गए, उनमें प्रमुख है सत्ता का हस्तांतरण, मतलब उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। क्रांति के बाद भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई। इसके लिए भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ। अब भारत का शासन प्रत्यक्षता ब्रिटिश नीति से होने लगा। ऐसा करने से कंपनी द्वारा शासन व्यवस्था के लिए संगठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स तथा द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का विघटन हो गया। इनके स्थान पर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मतलब भारत सचिव के रूप में नए पद का सृजन किया गया। इस सचिव की सहायता के लिए इंग्लैंड में एक परिषद का भी गठन किया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बन गया और इसे वॉइसराय कहा गया। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारत में अच्छे शासन प्रबंध की स्थापना के लिए कदम उठाए जाने की घोषणा की। महारानी की इस घोषणा से भारतीयों का रोष और असंतोष कुछ समयों के लिए ठंडा पड़ गया। सतर्कता में वृद्धि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सेना और सैन्य सामग्रियों का एकाधिकार कर लिया, जिससे भविष्य में भारतीय सैनिकों की ओर से उनके लिए कोई खतरा न उत्पन्न हो। इस समय से यह भी निश्चित किया गया कि किसी भी भारतीयों को उच्च सैनिक पद प्रदान नहीं किया जाएगा। अंग्रेजों को इस नीति को क्रियान्वित करने से काफी समय तक सुरक्षित रहने का अवसर प्राप्त हुआ। शस्त्रास्त्र पर प्रतिबंध, अंग्रेजी सरकार ने भारत की साधारण जनता के बीच अस्त्र शस्त्र रखने की मनाही कर दी। इससे भारतीयों की आक्रामक शक्ति को पूर्ण रूप से पंगु बना दिया गया। दुर्भाग्यवश भारत के धन से अंग्रेजी सरकार की सेना अधानुतन शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हो गई और भारत का जनसाधारण अपनी आत्म सुरक्षा के लिए पारंपरिक शस्त्रास्त्रों को रखने से भी वंचित हो गया। देशी राजाओं से मित्रता 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने देशी राजाओं के साथ फिर से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। देशी राजाओं के साथ विरोध की नीति अपनाने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। आगे फिर कोई दुष्परिणाम सामने न आए, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने देशी राजाओं के साथ मित्रता करने और इसका लाभ उठाने का मार्ग अपनाया। इसी नीति को ध्यान में रखकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को देशी राजाओं का पूर्ण सम्मान किए जाने की घोषणा की। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में वृद्धि हो गई। इसको एक्सप्लेन किया 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू किए जाने को प्रोत्साहित किया जिससे भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाए तथा पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकृष्ट हो जाए। पाश्चात्य देशों के वैचारिक आंदोलन से भारत के लोगों को नई प्रेरणा मिली तथा वे लाभान्वित भी हुए, पर उन देशों की आडंबरपूर्ण जीवन पद्धति से भारतीयों का चरित्र बल भी समाप्त होने लगा। भारत के लोगों के साथ ऐसा होना अंग्रेजों के लिए सुखदायक भी था। भारतीयों से दूरी में वृद्धि, अंग्रेजों ने भारत में आरंभ से गोरे और काले के आधार पर श्रेष्ठता और हीनता ही की भावना फैला रखी थी। 1857 की क्रांति के बाद तो प्रत्येक अंग्रेज भारतीयों से सावधान और अलग थलग रहने लगा। अंग्रेजों को ऐसा महसूस होने लगा कि भारतीयों से दूर बनाए रखना ही उनके हित में है, क्योंकि नज़दीक आने से भारतीय अंग्रेजों के भेदों को जानने लगे और उन्हें परेशान करने लगेंगे। क्रांति के दौरान अंग्रेज सतर्क हो गए और उस सतर्कता को उन्होंने लगभग हमेशा बनाए रखा। सरकार की नीति में परिवर्तन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान अंतिम दौर में भारत में कठोर एवं दमनात्मक नीति को अपनाया गया था। 1857 की क्रांति को जन्म देने का श्रेय यदि लॉर्ड डलहौजी की दोषपूर्ण नीतियों को दिया जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्रांति के दौरान भारतीयों के असंतोष और रोप को देखकर अंग्रेजी सरकार भारतीयों के विचार पर भी ध्यान देने लगी। सरकार ने ऐसा अनुभव किया कि भारतीयों की पूर्ण उपेक्षा से परेशानियां बढ़ेगी। भारतीयों के हित में तो सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया, पर अनेक प्रकार के आश्वासन अवश्य दिए गए। 1857 की क्रांति के परिणाम भारतीयों के पक्ष में ही रहे। भारतीयों के पक्ष में जो सकारात्मक परिणाम सामने आए वे है आत्मबल में वृद्धि। 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य को तत्काल प्राप्त करने में असमर्थ रही, परंतु इस क्रांति ने भारतीयों के आत्मबल में वृद्धि की ओर उनकी सुसुप्त चेतना को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागरूक किया। अब भारतीयों में
स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना बलवती हो गई और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति को अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया। इस समय से एक जागरूक भारत का अभ्युदय हुआ। राजनीतिक जागृति, लंबी परिधीनता और शासकों को अपराजय मानने की धारणा ने भारतीयों में आलस्य भर दिया था। पराधीनता को भारतीयों ने अपनी नियति मान ली थी, परंतु 1857 की क्रांति ने भारतीयों के शीतित रक्त को फिर से खौला दिया। क्रांति के बाद भारतीयों को ऐसा महसूस हुआ कि जोर लगाने पर स्वशासन की प्राप्ति आसानी से ही हो सकती है। संगठन की प्रेरणा, यद्यपि 1857 की क्रांति को संगठित स्वरूप प्रदान की पूर्ण कोशिश की गई थी, तथापि संचार व्यवस्था एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण मनोवांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी। व्यापक संगठन के अभाव के कारण ही क्रांति को कुचल दिया गया था, इसलिए इस क्रांति से आगे के क्रांतिकारियों को व्यापक संगठन की प्रेरणा प्राप्त हुई। 1857 इकाई की क्रांति से प्रेरणा पाकर ही आगे के वर्षों में अनेक क्रांतिकारी आंदोलनों का संचालन संभव हो सका। एकता की प्रेरणा, 1857 की असफलता का कारण संपूर्ण भारतवासियों में एकता का अभाव भी था। सिख और दक्षिण भारतीय क्रांति के विरुद्ध थे तथा अनेक देशी रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। जिन क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात हुआ वहां भी सभी वर्गों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। एकता ही राष्ट्रीयता का मूल मंत्र है और इस तथ्य की ओर भारतीयों का ध्यान क्रांति के असफल हो जाने के बाद गया। अब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि एक साथ चलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है और लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की जा सकती है। राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन को नई दृष्टि, 1857 की क्रांति का जिस निर्ममता से साथ अंग्रेजी सरकार ने दमन किया था उससे उसका असली चेहरा भारतीयों के सामने उजागर हुआ। अंग्रेजों के क्रूरतापूर्ण व्यवहार को देखने के बाद भारतवासियों ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का संकल्प किया। इस क्रांति से स्वतंत्रता आंदोलन को भविष्य में एक नई दृष्टि मिली। विद्रोह के बदले असहयोग का मार्ग अपनाया गया क्योंकि इससे अंग्रेजों को दमनात्मक अत्याचार का अवसर प्राप्त नहीं होता। शासन और शस्त्रास्त्र का नियंत्रण अंग्रेजी सरकार के हाथों में था और किसी भी प्रकार के विद्रोह का गला घोट देने की क्षमता उसमें थी, इसलिए क्रांति के बाद विद्रोह का रास्ता छोड़ने की प्रेरणा मिली। 1857 का विद्रोह, स्वतंत्रता संघर्ष अथवा सैनिक विद्रोह, क्वेश्चन मार्क ये क्या था इसको एक्सप्लेन करेंगे। वर्ष 1857 का विद्रोह शताब्दियों से शोषित और प्रताड़ित एवं उपेक्षित भारतीय जनसमूह की स्वतंत्रता प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा का प्रतीक था। 1857 इकाई में हुए इस विद्रोह के संपूर्ण घटनाक्रम पर सूक्ष्म दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि यह एक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत स्वतंत्रता संघर्ष था, परंतु कुछ अंग्रेज इतिहासकारों और उनके समर्थक भारतीय इतिहासकारों द्वारा इसे सैनिक विद्रोह अथवा गदर की संज्ञा प्रदान कर इसके महत्व को कम करने की कोशिश की थी। फ्रेड रॉबर्ट एडवर्ड थॉमसन, जीटी गैरेट, सर जॉन सिले, जेम्स अल्ट्रम, विलियम हॉवर्ड रसेल, जीबी मेलसेनम आदि पाश्चात्य इतिहासकारों के साथ रमेश चंद्र मजुमदार, सुरेंद्रनाथ सेन, हरिप्रसाद चट्टोपाध्याय, पुनश चंद्र जोशी आदि भारतीय इतिहास 1857 का विद्रोह को सैनिक द्वारा छोटे स्तर पर किए गए विद्रोह के रूप में व्याख्यायित करते हैं। इनका मानना है कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का सर्वथा अभाव था। दूसरी ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर, एस ए रिजवी, बेंजामिन डिजराइली, जस्टिस मेकार्थी, जॉन ब्रूस नार्टन, बिपिन चंद्र आदि जैसे इतिहासकार 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम संघर्ष की संज्ञा दी है। इनका मानना है कि वर्ष 1857 का आंदोलन जनजीवन से संपृक्त भारत से विदेशी आतंकियों को निकालने के उद्देश्य से संबंध तथा एक संगठित और सुनियोजित कार्यक्रम था। 1857 का संग्राम यदि सैनिक विद्रोह मात्र था तो उसमें सिर्फ सैनिकों ने ही भाग क्यों नहीं लिया। मेरठ से उठी क्रांति की लहर ने दो दिनों के भीतर ही दिल्ली को भी अपनी चपेट में ले लिया। वस्तुतः विद्रोह में ग्रामीण और शहरी जनता सम्मिलित थी। हाँ, क्रांति की शुरुआत सैनिकों ने ही की थी। वर्ष 1857 के विप्लव के क्रुद्ध सिपाहियों के साथ साथ अंग्रेजों के अत्याचार से क्षुब्ध जनसाधारण ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था, इसलिए इसे मात्र सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना युक्तिसंगत नहीं है। डॉक्टर आर सिंह मजुमदार का कहना यह है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, सर्वथा अतिशयोक्तिपूर्ण और सत्यता से परे है।
स्वतंत्रता की भावना से उद्वेलित हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों का सम्मिलित होकर विदेशियों को अपने देश से निकालने का पहला प्रयास 1857 में ही हुआ। इसलिए 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम उद्घोष कहना सर्वथा युक्तिसंगत है। 1857 की क्रांति के संबंध में प्रमुख उक्तियां देख लेंगे। वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह था। ये कौन बोलता है? जेड रॉबर्टसन। 1857 की पटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी। कौन बोलता है? ये सर जॉन लॉरेंस बोलते हैं। 1857 के विद्रोह को या तो सिपाही विद्रोह या अनाधिकृत राजाओं तथा जमींदारों का अनियोजित प्रयत्न अथवा सीमित किसान युद्ध कहा जा सकता है। ये कौन बोलता है? एडवर्ड टॉम्पसन तथा जी टी गैरेट। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं धार्मिक युद्ध था। ये विलियम हॉवर्ड रसेल कहते हैं। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। ये कौन बोलता है? आरसी मुजुमदार। 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं। 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था अपितु यह भारतवासियों का अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक सैनिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध था। ये कौन बोलता है? जस्टिस मेकार्की। 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। विनायक दामोदर सावरकर बोलते हैं। 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र परिणाम था। सर जेम्स आउटरम बोलते हैं। 1857 इकाई क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास थी। डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी बोलते हैं। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। बिपिन चंद्र बोलते हैं। 1857 का विद्रोह सचेत संयाग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। बेंजामिन डिजरेली कहते हैं। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। जॉन ब्रूस नॉर्टन कहते हैं। 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का हो था। विद्रोह का हो किंतु बाद में इसे राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया, ऐसे सेन ने कहा है। अब हम सारांश देखेंगे। सारांश में विद्रोह उपनिवेशवादी नीतियों एवं शोषण का परिणाम। आर्थिक कारण क्या थे? नई राजस्व व्यवस्था के तहत भारी करार पोषण, बेदखली, भारतीय उत्पादों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण प्रशुल्क नीति, परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश, आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था को प्रोत्साहन न देना जिसने कृषक जमींदार एवं शिल्पकारों को दरिद्र बना दिया। दूसरा राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियां, ब्रिटिश शासन का विदेशीपन, दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था एवं प्रशासकीय भ्रष्टाचार, मुगल सम्राट से निंदनीय व्यवहार। तीसरा था प्रशासनिक कारण, अंग्रेजों की शासन पद्धति से भारतीयों का असंतुष्ट होना, परंपरागत भारतीय शासन पद्धति की समाप्ति, उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों की नियुक्ति तथा अंग्रेजों को सरकारी भाषा बनाना। सामाजिक और धार्मिक कारण, अंग्रेजों में प्रजातीय भेदभाव तथा श्रेष्ठता की भावना, ईसाई मशीनरियों को प्रोत्साहन, विभिन्न सामाजिक सुधार कार्यक्रम तथा नए नियमों का निर्माण। सैनिक कारण, सैनिकों के वेतन एवं भत्ते में आर्थिक असमानता एवं भेदभाव, उनका मनोवैज्ञानिक एवं धार्मिक उत्पीड़न हुआ। तात्कालिक कारण क्या थे? चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग। विद्रोह के केंद्र एवं नेता, दिल्ली में जनरल बख्त खान थे, कानपुर में नाना साहेब थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, बरेली में खान बहादुर थे, बिहार में कुंवर सिंह थे, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थे, इलाहाबाद में लियाकत अली थे, ग्वालियर में तात्या टोपे थे, गोरखपुर में गजाधर सिंह थे, फरुखाबाद में नवाज तफजल हुसैन थे, सुल्तानपुर में शहीद हसन थे, संबलपुर में सुरेंद्र साई थे, हरियाणा में राव तुलाराम थे, मथुरा में देवी सिंह थी, मेरठ में कदम सिंह थे, सागर में शेख रमजान थे, गढ़मंडला में शंकर शाह एवं राजा ठाकुर प्रसाद थे, रायपुर में नारायण सिंह था, मंदसौर में शाहजा हुमायूं मतलब फिरोज शाह था। अंग्रेज जनरल कौन कौन थे? दिल्ली में लेफ्टिनेंट विलोबी जॉन निकोलस लेफी हडसन, कानपुर में सर व्यू विलर कोलिब कैंपबेल, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश और हेनरी हॉवॉक, जेम्स आउटरन, सन कोविल कैंपबेल इत्यादि थे। झांसी में सर ह्यू रोज थे, बनारस में कर्नल जेम्स नील थे। असफलता के कारण, सीमित क्षेत्र एवं सीमित जनाधार था, भारतीय रजवाड़े एवं कुछ अन्य वर्गों का अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग, अंग्रेजों की तुलना में विद्रोहियों के
अत्यल्प संसाधन, योग्य नेतृत्व एवं सामंजस्य का अभाव था, एकीकृत विचारधारा एवं राजनीतिक चेतना की कमी प्रकृति। 1857 का विप्लव यद्यपि सफल नहीं हो सका, किंतु उसने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना के बीज बोए एवं इस क्रांति के दूरागामी परिणाम हुए। प्रभाव: ताज के अधीन प्रशासन, कंपनी शासन का उन्मूलन, ब्रिटिश साम्राज्य की नई भारतीय नीति, सेना का पुनर्गठन, जातीय भेदभाव में वृद्धि हुई। धन्यवाद दोस्तों, ये सारा ऑडियो सुनने के लिए। इसी तरीके से हम इसे बार बार रिपीट रिपीट तरीके से हम इसे सुनते रहेंगे, तो ये हमें है वैसा उस तरीके जैसे हमें गाना कंठस्थ हो जाता है, उसी तरीके से ये भी हमें सारा का सारा एक लाइन लाइन टू लाइन कंठस्थ हो जाएगी, तो हमारा एक भी हमसे भी को उससे भी लाइन से आया तो वो छूटेगा नहीं। सो इस तरीके से साथ बनाए रखिए। हम नेक्स्ट चैप्टर भी इसी तरीके से हम पूरा करने वाले हैं, जल्दी मैं उसे डाल दूँगा, जल्दी उसे डाल दूँ, अपलोड कर लूँगा। जितने ये दोस्तों को भी बताइए तो सारा, ताकि ये हिंदी माध्यम का हम अच्छे से उसे प्रसारण, हिंदी माध्यम के बच्चों को मदद हो सके। जय हिंद, जय भारत।